नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुमका, बड़ा बांध, पोखरा चौक, छठ घाटों की डीसी रविशंकर शुक्ला, एसपी अंबर लकड़ा, एसडीपीओ सदर नूर मुस्तफा समेत एसएसबी और जिला पुलिस बल ने सफाई की। स्वच्छता को ध्यान में रखकर पर्व मनाने की अपील की। डीसी ने फुलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल से निकलने वाले गंदे पानी जो तालाब में मिलती है उसे रोकने को लेकर और एक और हाई मास्क लाइट लगाने का संबंधित विभाग को निर्देश दिए। थोड़ी और बेहतर और निरंतर सफाई की आवश्यकता है, इसके लिए हमारे साथ हमारे नगर परिषद के पदाधिकारी कर्मी हैं, वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और अभी तत्काल छठ के अवसर पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो यह सुनिश्चित करते हुए आने वाले समय में किस प्रकार से और भी ज़्यादा इसको बेहतर बनाया जा सके उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि छठ के समय जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं और कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन करते हुए छठ का आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। पोखरा पर हाई मार्क्स लाइट लगाने को लेकर के या गंदा पानी जो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है उसको लेकर के क्या निर्देश इसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वी टाइम न्यूज के लिए दुमका से नीरज सिंह की रिपोर्ट।